इसके विपरीत यदि हम यहाँ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम की बात करें तो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम के अंदर क्या चीज है कि वहां पर अब आपका एक परमाणु के साथ में दूसरा परमाणु लगा हुआ है, तो दूसरा परमाणु लगा हुआ तो वहां पर आपको रोटेशन भी मिलेंगे, तो वाइब्रेशन भी मिलेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी मिलेंगे। इसीलिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में आपको क्या है, लाइंस भी मिल सकती हैं, आपको पीक्स भी मिल सकते हैं, आपको बैंड भी मिल सकते हैं। डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड उस पे करेगा कि हम कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी हम ले रहे हैं। यदि हम माइक्रोवेव ले रहे हैं यानी कि सिंपल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ले रहे हैं तो आपको लाइंस मिलेंगी, यदि आप वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी ले रहे हैं तो आपको क्या मिलेंगे, पीक्स मिलेंगे, और यदि आप यूवी विजिबल की बात कर रहे हो तो आपको वहां पर आपको बैंड्स मिलेंगे। ये मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जो सभी प्रकार के हो सकते हैं। यदि इस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपको और समझना है तो हम एक पेन के एक्सपेरिमेंट के द्वारा यहाँ पर यह बताया गया है कि एक सिंपल सा, यदि हमारे पास में एक पेन हाथ में है और उस पेन में यदि हम छोटे छोटे से तीन एक्सपेरिमेंट यदि हम करें, तो मान लीजिए कि पेन यदि है तो आपके पास में आपने उसको सिंपल ऐसे रोटेट कराया या ऐसे रोटेट कराया तो ये बहुत आसान होता है, और यदि इसको हम दो एंड को दो एटम्स मान के चल लें तो उसको यदि हम वाइब्रेट कराने की कोशिश करें यानी कि कंप्रेस करें या उसे हम खींचे तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, और यदि अब हम इसके अंदर जो रिफिल दिख रही है उसको हम डिस्टर्ब करना है तो हमें शायद इसे तोड़ना पड़ेगा, तो और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि तीन प्रकार की यहाँ पर हमने एक्सरसाइज करने की कोशिश करी कि पहले हमने रोटेट किया इसे, दूसरा हमने इसे क्या किया, वाइब्रेट कराने की कोशिश करी, और तीसरा हमने क्या कोशिश करी कि हमने अंदर जो रिफिल है यानी कि यदि हम मॉलिक्यूल की बात करें, एटम की उनकी बात करें, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन है उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करी तो हमें शायद और अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इन तीनों एक्सरसाइजेस को यदि हम कोरिलेट करें तो हम कोरिलेट कर सकते हैं हमारे इन तीन प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी से। कौन कौन सी, यूवी विजिबल, आईआर एंड माइक्रोवेव। यहां यूवी विजिबल की एनर्जी आईआर से ज्यादा, आईआर की एनर्जी माइक्रोवेव से ज्यादा, तो इसका मतलब यानी कि कोई मॉलिक्यूल सिंपल रोटेट यदि कर रहा है तो वो एसोसिएटेड होगा माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी से, यदि कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेट कर रहा है तो इसका मतलब वो एसोसिएटेड होगा थोड़ी अधिक ऊर्जा वाली विकिरणें आईआर से, और यदि कोई मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्टरबेंस हमें देना है तो वो एसोसिएटेड होगा किससे, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से। यदि इन तीनों को हमें हमारे मॉलिक्यूल के एनर्जी लेवल्स के आधार पर यदि हमें इनका इंपैक्ट देखना है तो यहां पर ये जो फर्स्ट थ्री जो बुलेटेड लाइंस नजर आ रही हैं वो एक प्रकार की यहां पर तीन इंपॉर्टेंट पंच लाइंस हैं जिनको की दिमाग में हमेशा ये रखना है कि देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स इन ए मॉलिक्यूल। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर होते हैं। सेकंड लाइन क्या है कि हर इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे कंपन के ऊर्जा स्तर होते हैं। और तीसरी लाइन क्या है कि हर कंपन के ऊर्जा स्तर के अंदर बहुत सारे घूर्णन के ऊर्जा स्तर होते हैं। यानी कि यदि हम तीनों को एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के तौर पर देखना चाहें तो वो उसे हम इस तरीके से देख सकते हैं, जहां पर हमने यहां नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल दिखा रखा और ये ऊपर एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल दिखा रखा है। इस ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल को E0 से दिखाया है और ऊपर वाले को E1 से दिखाया है। इस ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के वाइब्रेशनल लेवल U0, U1, U2, U3 और ऊपर वाले के लेवल ये दिख रहे हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल में वाइब्रेशनल लेवल और वाइब्रेशनल लेवल में रोटेशनल लेवल। यदि इन्हें और सुपरफाइन स्ट्रक्चर के तौर पर देखना है तो उसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं कि ये हमारे पास में एक कंपन का स्तर U0 है और एक दूसरे कंपन का स्तर U1 है, और उसमें यदि रोटेशनल लेवल्स हैं अलग अलग तो उन्हें हम J0, J1, J2, J4 और ऊपर वालों के लिए हमने डैश लगा दिया, J0, J1 डैश, J2 डैश। बस इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, वो ये है कि एक वाइब्रेशनल लेवल में उपस्थित रोटेशनल लेवल्स के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है वो एनर्जी डिफरेंस नीचे से ऊपर की ओर जाने पर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन दो वाइब्रेशनल लेवल्स के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो ऊपर की ओर जाने पर घटता चला जा रहा है।
यानी कि न्यू जीरो से न्यू वन का डिफरेंस ज्यादा है और न्यू वन से न्यू टू का डिफरेंस कम है, लेकिन जे जीरो से जे वन में कम है तो ऊपर ये बढ़ता चला जा रहा है, इसे ध्यान में रखना है, जो कि इनके एनर्जी इक्वेशंस को जब हम देखते हैं तो वहां ये समझ में आ जाता है। ये तीनों चीज के बारे में हमने यहाँ पर बात करी है, वो लिखी है यहाँ पर कि जो एनर्जी डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के बीच में वो कहीं कहीं बहुत अधिक है दो कंपन के ऊर्जा स्तरों के बीच की तुलना में, और कंपन के ऊर्जा स्तरों के बीच का जो अंतर है वो घूर्णन के ऊर्जा स्तरों से अधिक है। नाउ सेकंड पोर्शन, जो सेकंड पार्ट है हमारे टॉपिक का, वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? तो मान लीजिए कि कोई भी एक हमारा सब्सटेंस है, अननोन कंपाउंड है, और उस अननोन कंपाउंड पर यदि हम एक रेडिएशन जिसकी की फ्रीक्वेंसी न्यू है उसे हम पास करेंगे तो उसमें से कुछ विकिरणें तो पारगमित हो जाती हैं और कुछ विकिरणें उससे डिफ्रेक्टेड होकर के उसी आवृत्ति की विकिरणों में परिवर्तित हो जाती हैं। यानी कि जी डिफ्रेक्टेड रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, आपतित विकिरण की आवृत्ति के समान आवृत्ति वाली विकिरणों को यदि विवर्तन हो रहा है तो उससे यहां पर रमन के अंदर कहते हैं रेले स्केटिंग। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि इन विकिरणों के साथ साथ ही कुछ ऐसी विकिरणें भी प्राप्त होती हैं जिनकी की आवृत्ति कम या अधिक होती है, उसे हम कहते हैं रमन इफेक्ट। इस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जिसे हम रेले फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं से कम आवृत्ति वाली जो विकिरणें होती हैं या लाइन होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्टोक्स लाइन कहते हैं, और जो अधिक आवृत्ति वाली होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंटी स्टोक्स लाइन कहते हैं। यहां पर अब महत्वपूर्ण चीज यह है कि यहां पर स्टोक्स लाइन क्यों आई और एंटी स्टोक्स लाइन क्यों आई यहां पर, तो उसके लिए यह है कि यदि एनर्जी कोई रेडिएशन लेकर के यदि आ रही है और उस रेडिएशन की एनर्जी को हमारे मॉलिक्यूल ने यदि एब्जॉर्ब कर लिया तो जो रेडिएशन डिफ्रेक्ट होकर के जाएगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि उसकी वेव नंबर यानी कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी, तो वो स्टोक्स लाइन का कारण बना। और यदि आने वाली रेडिएशन को मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी दे दी तो जो रेडिएशन अब डिफ्रेक्ट होकर के बाहर निकलेगी उसकी एनर्जी यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो वो कारण बना किसका? एंटी स्टोक लाइन का। फिर यहां पर आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी जो है वो स्टोक लाइन्स की ज्यादा है और इंटेंसिटी जो है वो एंटी स्टोक लाइन्स की कम है, यानी कि एंटी स्टोक लाइन्स की तीव्रता जो है स्पेक्ट्रम देखेंगे वो बहुत कम मिलती है और स्टोक लाइन्स की जो तीव्रता है वो बहुत अधिक होती है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि यदि एंटी स्टोक की लाइन्स की तीव्रता अधिक है इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी रेडिएशन को क्या दे रहा है, तो वहां शर्त यह है कि जरूरी यह है कि कुछ मॉलिक्यूल क्या होने चाहिए? उच्च ऊर्जा स्तर पर उपस्थित होने चाहिए जो कि अपनी एनर्जी क्या करें? आने वाली रेडिएशन को ट्रांसफर कर सकें। और सामान्यतया यदि हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन पॉपुलेशन के आधार पर यदि देखें हम तो हम ये देखते हैं कि जो लोअर लेवल होते हैं वहीं पर ही जो पॉपुलेशन है मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन वो ज्यादा होती है और ऊपर के एनर्जी लेवल पे मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन कम होती है। तो मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन डायरेक्टली सिंबोलिक है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का, संक्रमण प्रायिकता का और इंटेंसिटी का। तो जितना अधिक मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन होगा उतना ही ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा और उतना ही तीव्रता अधिक होगी। तो जब हायर एनर्जी लेवल्स में मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन कम है तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कम हो गई, इंटेंसिटी कम हो गई, इसीलिए एंटी स्टोक लाइन्स की जो इंटेंसिटी होती है वो स्टोक्स लाइन की तुलना में कम होती है। यहां पर रमन के बारे में क्लासिकल थ्योरी उसकी दी गई है कि जो रमन है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वास्तव में कौन से ऐसे मॉलिक्यूल है जो देते हैं। जब हम आईआर पढ़ते हैं या माइक्रोवेव पढ़ते हैं वहां पर तो हमने वहां पर एक चीज ये पढ़ी थी कि साहब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या होना चाहिए? निश्चित द्विध्रुव आगुण हो और उनका द्विध्रुव आगुण क्या है? कंपन या घूर्णन के दौरान परिवर्तित होता हो। तो ऐसे यौगिक क्या होते हैं? माइक्रोवेव या आईआर एक्टिव होते हैं। लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए क्या है?
कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके की मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी के किसी फैक्टर में, क्योंकि आणविक ध्रुवणता एक वेक्टर प्रॉपर्टी है जिसमें डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड यानी कि दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, तो उनके किसी घटक में यदि कंपन या घूर्णन के दौरान परिवर्तन होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रमन एक्टिव होते हैं। अर्थात ऐसा कोई मॉलिक्यूल जो हमारे लिए यदि पहले नॉन पोलर है और उसमें ध्रुवणता अपेक्षित है, तो ऐसे मॉलिक्यूल के बारे में रमन ने यहां पर बात करी। तो ऐसा कोई मॉलिक्यूल यदि है जिसमें की ध्रुवणता आ गई तो उसे हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, यानी कि प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण, जिसमें की द्विध्रुव आघूर्ण को प्रेरित किया गया है। तो उस प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को हम यहां पर डिफाइन करते हैं म्यू बराबर अल्फा ई, जहां अल्फा उस नॉन पोलराइजेबल मॉलिक्यूल के लिए ध्रुवणता बता रही है और ई जो है वो अप्लाइड फील्ड है जिसके की प्रभाव में ये ध्रुवणता यहां पर आई है। तो ऐसे किसी पोलराइजेबल मॉलिक्यूल को यदि हम एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड में यदि हम रखते हैं तो वो जो एक्सपीरियंस करता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा ई बराबर ई जीरो साइन टू पाई न्यू टी, जहां न्यू उसकी खुद की आवृत्ति है अभी, और इसे यदि हम इस फॉर्मूला रखते हैं तो ये म्यू बराबर अल्फा ई जीरो साइन टू पाई न्यू जीरो टी के रूप में आता है। यदि ये मॉलिक्यूल कंपन करता है या दोलन करता है तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ये न्यू वही आवृत्ति है जो आने वाली विकिरण की यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई थी। अर्थात ऐसा मॉलिक्यूल अपनी ही आवृत्ति पर दोलन करता रहेगा, यानी कि वही विकिरणें आई और उन्हीं विकिरणों को उसने विवर्तित कर दिया। तो ये बेसिस बना किस चीज का, रेले स्केटरिंग का। यहां पर अभी किसी भी प्रकार का रोटेशनल या वाइब्रेशनल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यदि जैसे ही उस मॉलिक्यूल में इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद में वाइब्रेशनल या रोटेशनल चेंजेस हुए, तो क्रमागत रूप से उसकी पोलराइजेबिलिटी के किसी न किसी घटक में परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन के कारण ही हमें कम तीव्रता और अधिक तीव्रता पर हमें रेखाएं नजर आना शुरू हो जाती हैं। यदि ये मान के चल लें कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने पर मॉलिक्यूल क्या करता है, वाइब्रेशनल मोशन यानी कि कंपन करता है, तो उस दौरान उसका जो पोलराइजेबिलिटी है वो पोलराइजेबिलिटी अल्फा वो इस प्रकार से चेंज हो रही है, अल्फा जीरो प्लस बीटा साइन न्यू वाइब्रेशनल यानी कि कंपन की आवृत्ति हो गई अभी है। तो इसको यदि हम हमारी पुरानी पहले वाली इक्वेशन में यदि हम रख दें और इसे हम सॉल्व करें तो हमारे सामने ये इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन ये है कि यहां पर बीटा जिससे कि कहा गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोलराइजेबिलिटी, यानी कि कंपन के दौरान किसी ध्रुवणीय ऐसे यौगिक की ध्रुवणता के घटक में परिवर्तन की दर, अर्थात कंपन के दौरान यदि वो नॉन पोलराइजेबल मॉलिक्यूल जो पोलराइज हो चुका है यदि वो अपने किसी घटक में परिवर्तन नहीं करता है, यानी कि बीटा यदि जीरो है, तो ये सारा का सारा फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस फैक्टर के जीरो होते से हमारे पास में केवल ये रह जाएगा यानी कि रियल स्केटरिंग। लेकिन यदि ध्रुवणता में घटक में किसी में भी परिवर्तन होता है तो हम क्या देखते हैं कि इस रेले स्केटरिंग के साथ साथ हमें माइनस में और प्लस में, रेले लाइन के प्लस में और रेले लाइन के माइनस में हमें क्या मिलती है, रेखाओं की श्रेणियां मिलती है, रेखाएं मिलती है, और यही बेसिस बना किस चीज का, स्टोक्स एंड एंटी स्टोक्स लाइन का। इस थ्योरी को यदि हम रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के लिए आगे काम में लेना चाहते हैं हम, तो उससे पहले हमें यहां पर दो एनर्जी इक्वेशन है, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, उन इक्वेशन को यहां पर हमें देखना पड़ेगा। तो कि यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल में रोटेशनल एनर्जी लेवल के जो एनर्जी इक्वेशन दी गई है वो आपको सब जानते हो, इसको पढ़ा हुआ है आपके, क्या इक्वेशन है, बी जे जे प्लस वन सेंटीमीटर इनवर्स। अगेन यहाँ पर ध्यान रखना है कि एनर्जी इक्वेशन को यहाँ पर किसमें बताया गया, तरंग संख्या के तौर पर बताया गया। इसी प्रकार से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए जो एनर्जी इक्वेशन है वो है न्यू प्लस हाफ ओमेगा ई माइनस न्यू प्लस हाफ स्क्वायर ओमेगा ई एक्स ई। यहाँ हमको पता है कि न्यू वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर होता है, तो ओमेगा ई उस मॉलिक्यूल के अपने खुद की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जिस पर वो वाइब्रेट करता रहता है, और एक्स ई यहाँ पर एनहार्मोनिसिटी कॉन्स्टेंट है जिसकी की वैल्यू रफली क्या होती है, पॉजिटिव होती है 0.01 के क्रम की। इसीलिए ये जो पूरा फैक्टर है नेगेटिव के बाद वाला ये हमेशा ही पॉजिटिव बना रहता है,
और इसी वजह से दो क्रमागत जो कम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं उनमें ऊपर जाते जाते जो ऊर्जा का अंतर है वो कम होता चला जाता है। तो ये रिमाइंड करने के लिए यहाँ पर दोनों इक्वेशंस को डाला गया है। अब हम रमन स्पेक्ट्रम का जो इफेक्ट है वो एक एक मोशन को लेकर के यहाँ पर हम देखेंगे। ये हमने यहाँ पर लिया है लीनियर एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल। यदि एक रेखीय और द्विपरमाणुक अणु है उसमें हम शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रम को देखना है यदि, तो उसके लिए रोटेशनल रमन को देखने के लिए जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम है उसकी एनर्जी इक्वेशन को डिस्टोर्शन कोफिशियंट को यदि हम नेग्लेक्ट कर दें तो एनर्जी इक्वेशन BJJ+1 है। अगेन यहां पर एक चीज ध्यान रखने की है कि किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए दूसरी जो आवश्यक शर्त है वो ट्रांजिशन के साथ साथ दूसरी शर्त क्या, सिलेक्शन रूल, चयन का नियम, जो ये निर्धारित करता है कि संक्रमण कितने लेवल पर होगा, संक्रमण कितने लेवल पर होगा। बात नहीं। तो यहां पर जो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम के लिए जो सिलेक्शन रूल दिया है वो सिलेक्शन रूल क्या है, ΔJ 0 या ±2 ओनली, 0 या ±2 ओनली। 0 का मतलब तो यह है कि वो अपने उसी रोटेशनल लेवल में वो रोटेट कर रहा है, इसका मतलब वो जिस फ्रीक्वेंसी को उसने एब्जॉर्ब किया और उसी फ्रीक्वेंसी को उसने डिफ्रेक्ट कर दिया, इसका मतलब वो सिंपली बता रहा है किसको, रेले स्केटरिंग को। तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है। यदि हम ±2 की बात करें या उससे पहले 2 की हम बात करें, क्योंकि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में के सिलेक्शन रूल जब हमने पढ़ा उस समय क्या देखा था, वो प्लस माइनस हुआ करता था, तो वहां पर 1 क्यों नहीं 2 क्यों, वो सिर्फ इसलिए कि एक पूर्ण रोटेशन के दौरान मॉलिक्यूलर पोलराइजेबल मॉलिक्यूल जो है वो अपनी पोलराइजेबिलिटी को 2 बार दोहराता है, इसलिए उसकी जो आइडेंटिटी होगी वो 2 बार होगी, यानी कि 2 बार उसमें एनर्जी लेवल में क्वांटम लेवल में उसमें चेंजेस होता है। इसलिए यहां पर ये जो सिलेक्शन रूल आया इसका वो 2 का फिगर आया। अब बात यह आती है कि इन 2 में से भी +2 लेना है कि -2 लेना है। +2 का मतलब होता है क्या कि नीचे के J0 से ऊपर के J+J2 में जाना, तब जाकर के +2 होगा, 2 - 0 +2। और -2 का ये मतलब है कि नीचे के लेवल के -2 से ऊपर के लेवल के 0 में जाना, तब जाके 0 - 2 - 2 होगा। तो हम ये उम्मीद करें कि नीचे के J2 में मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन ज्यादा हो तब जाकर के पॉसिबल होगा, जो कि संभव नहीं है। क्यों, अगेन मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन हमें पता है कि J=2 लेवल के अंदर बहुत कम हो जाती है, इसीलिए यहां पर हम कौन से सिलेक्शन रूल को कंसिडर करेंगे, सिर्फ +2 को। तो +2 को यदि हम कंसिडर करते हैं तो उस आधार पर हम यदि एक ट्रांजिशन को देखें तो हमें क्या करना है, यहां पर अपर के जे लेवल से नीचे के जे लेवल को एनर्जी वैल्यू को घटाना है, तो यहां पर अपर का लेवल J+2 और नीचे का लेवल J है, एनर्जी इक्वेशंस में J = J+2 किया और नीचे के लेवल को J रखा, तो हमारे पास में जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है वो स्पेक्ट्रल लाइन कितने पर आती है, B4J+6 सेंटीमीटर इनवर्स पर। अर्थात रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम की जो पहली लाइन आएगी, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम की पहली लाइन वो क्या आएगी, B4J+6 पर। ध्यान रखना ये लाइन हमारे रेले स्केटरिंग रेले लाइन से अलग है, क्योंकि ध्यान रखना कि ये लाइन हमेशा रेले लाइन की या तो प्लस में आएंगी या माइनस में आएंगी, और इसीलिए यहाँ पर यदि आपको रमन स्पेक्ट्रम को एक्सपीरियंस करना है, रमन स्पेक्ट्रम को देखना है, तो यहाँ लिखा है कि न्यू स्पेक्ट्रल यानी कि रमन स्पेक्ट्रम के लिए जो स्पेक्ट्रम होगा वो क्या होगा, बार न्यू एक्साइटिंग यानी कि रमन की जो रेले लाइन है उसके प्लस में ΔES यानी कि जो पूरी ब्रांचेज है, जब ΔJ+2 होता है तो वो एस ब्रांच कहलाती है, इसलिए इसे एस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके प्लस में और इसके माइनस में आपको ये लाइंस नजर आएंगी। यदि इन दोनों को अलग अलग कर दें तो प्लस किसको बताता है, एंटी स्टोक लाइन को, और माइनस किसको बताता है, स्टोक लाइंस को। यदि हम सेकंड ट्रांजिशन को देखो, यदि ट्रांजिशन को देखना चाहते हो तो 0 से 2 फर्स्ट ट्रांजिशन होगा, तो उसके लिए ये लाइन पहली, और दूसरा ट्रांजिशन कहां से होगा, 1 से 3 होगा, उसके लिए सेकंड लाइन ये है। यदि आपको इन्हें स्पेक्ट्रम के तौर पर देखना है कि ट्रांजिशन कैसे होना है, तो उसको यहां पर दिखाया है कि ΔJ यदि +2 है तो 0 से 2 या आप 3 से 5 ट्रांजिशन है तो वो इस प्रकार से दिखेगा। ये आपका रेले स्केटरिंग की लाइन है, न्यू एक्साइटिंग।
इसके प्लस में इधर एंटी स्टोक लाइन है, न्यू एक्साइटिंग प्लस बी, 4J प्लस 6, आपको यहाँ पर जे केवल रखना है वैल्यू कि कहां से संक्रमण हो रहा है। जे 0 रखोगे तो पहली लाइन यहां से 6B की दूरी पर है, उसके बाद यदि 1 रखोगे तो अगली लाइन उसके 4B यानी कि 10B पर, तो 1 की ओर कहीं से भी ट्रांजिशन कहीं से भी हो सकता है यहां पर इसमें, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि जैसे जैसे अपर लेवल पे जाएंगे हम वैसे वैसे मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन कम होती चली जाएगी तो इंटेंसिटी उसकी कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट, प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। यदि प्योर वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा की बात करें तो यहां पर आपको सिर्फ वाइब्रेशनल एनर्जी इक्वेशन की बात करनी है, वाइब्रेशनल एनर्जी इक्वेशन न्यू प्लस हाफ वी है, और सिलेक्शन रूल यहां पर डेल्टा न्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 है, तो हम यहां पर उसमें प्लस माइनस 1 को हम लेकर के चलेंगे और उसमें भी हम सिर्फ अभी प्लस 1 की ही बात करेंगे, यानी कि किसी नीचे के न्यू 0 लेवल से नीचे के ऊपर के न्यू बराबर 1 लेवल के अंदर ट्रांजिशन हो रहा है। और इस ट्रांजिशन को करने पर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम क्या देखते हैं कि ओमेगा ई 1-2xc पर पहली फंडामेंटल लाइन हमें वहां पर नजर आती है। तो 0 से 1 में ट्रांजिशन होता है तो जो फर्स्ट लाइन आती है वहां पर हमें नजर में वो क्या आती है, ओमेगा ई 1-2xc पर, ये फंडामेंटल लाइन कहलाती है। और यदि आप 0 से 2 पर +2 का जंप लेकर के यदि देखेंगे तो वो इस फंडामेंटल के लगभग दुगने पर आती है, तो वो कहलाता है इस फंडामेंटल का फर्स्ट ओवरटोन, यानी कि 2 ओमेगा ई 1-3xc पर। यदि 0 से 3 ट्रांजिशन देखना है तो वो इसके लगभग तिगुने पर 3 ओमेगा ई 1-4xc पर, जो उस फंडामेंटल के लिए सेकंड ओवरटोन होगा। लेकिन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए हम इन ओवरटोन्स को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट बांध सकते हैं और हम सिर्फ इस फंडामेंटल वाइब्रेशन पर ही हम रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो यानी कि जब मॉलिक्यूल ने अपनी एनर्जी उस आने वाली रेडिएशन की एनर्जी से इंटरेक्ट किया और वाइब्रेशन किया और वाइब्रेशनल लेवल होने पर जो ट्रांजिशन हुआ वो यहाँ पर ओमेगा इन 1-2xc के रूप में दिखेगा। यदि रमन स्पेक्ट्रम में इसको हमें देखना है तो रमन स्पेक्ट्रम में हमेशा ही क्या ध्यान रखना है कि न्यू एक्साइटिंग यानी कि रेले स्केटरिंग आपको नजर आएगी, उस रेले स्केटरिंग के हमेशा ही दाईं तरफ में आपको एक लाइंस और बाईं तरफ आपको लाइंस, तो दाईं तरफ आपको यहाँ पर ये लाइंस नजर आएंगी और बाईं तरफ आपको ये लाइंस नजर आएंगी। और यदि इसको रफली स्पेक्ट्रम के तौर पर देखना है तो ये बिल्कुल ऐसा रफ डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है बना हुआ, यहाँ पर ये दिख रहा है कि एंटी स्टोक लाइंस बहुत कम बना रखी है और इनकी तीव्रताएं भी बहुत कम दिखा रखी है, और स्टोक्स लाइंस की तीव्रताएं दिखा रखी है अच्छी सी और लाइंस भी इसमें यहाँ पर खूब सारी दिख रही है। अब आपको यदि यहाँ पर कंबाइंड वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बात करनी है तो कंबाइंड रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को लेते समय आपको यहाँ पर दोनों ऊर्जाओं को जोड़ना है, ये आपकी कंपन की ऊर्जा है और ये आपके रोटेशन की ऊर्जा है। यहाँ पर सिलेक्शन रूल दोनों के लिए लिखे हुए हैं, हम केवल यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अभी हम डेल्टा न्यू प्लस माइनस 1 में से प्लस 1 की हम बात करेंगे यहाँ पर, यानी कि नीचे के न्यू 0 से ऊपर के न्यू 1 में होना है, और हम यहाँ पर डेल्टा जे के तीनों सिलेक्शन रूल को अप्लाई करते चले जाएंगे। यदि आपने डेल्टा न्यू प्लस 1 लेते हो तो हमें पता है कि ओमेगा इन 1-2xc पर लाइन आनी है, उसके साथ में डेल्टा जे यदि 0 है तो केवल आपको क्या मिलेगा, केवल ये लाइन मिलेगी, यानी कि नीचे के न्यू बराबर 0 से ऊपर के न्यू बराबर 1 में जे 0 से ऊपर के जे 0 में गया तो वो डेल्टा जे 0 हो गया, तो उस समय आपको केवल यही मिलेगा। लेकिन यदि डेल्टा जे प्लस 2 है तो आपको अब क्या होगा, इसके जिसको कि यहां पर न्यू 0 से लिख दिया गया है प्लस 2 होते से ही इसके प्लस में आपको बी 4J प्लस 6 में एस ब्रांच मिलेगी, और यदि आपने डेल्टा जे माइनस 2 ले लिया तो आपको अब ये तो मिलेगा ही क्योंकि न्यू प्लस में 1 है तो ये तो मिलना ही है, लेकिन जैसे ही आपने माइनस 2 ले लिया तब आपको इसके माइनस में क्या मिलेगा, माइनस बी 4J प्लस 6 यानी कि आपको ओ ब्रांच मिलेगी। यहां पर सबस्क्रिप्ट ओ क्यू एस जब माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2 यदि डेल्टा जे है तो उनके लिए हम सबस्क्रिप्ट जो काम में लेते हैं ब्रांचेस का वो ओपी क्यू आर एस, यानी कि क्यू ब्रांच किसके लिए है, वो डेल्टा जे 0 के लिए है। तो ये अलग अलग ट्रांजिशन को यहाँ पर दिखाया गया है और इनको यदि हम इस प्रकार से एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में यदि इसको देखना हो तो उसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं
कि सभी में डेल्टा न्यू प्लस वन है, यानी कि ये नीचे का हमारा न्यू जीरो लेवल है और ये ऊपर का न्यू वन लेवल है। इस डेल्टा जे जीरो का मतलब है कि यदि यहां पर आपके नीचे के जे डबल डैश दो लेवल से ट्रांजिशन हो रहा है तो ये ऊपर जे डैश बराबर दो पे जा रहा है, और यहां पर माइनस टू का मतलब दो से जीरो में जा रहा है, और यहां प्लस टू का मतलब जीरो से दो में जा रहा है, तो ये तो ट्रांजिशन है। इन्हीं को आपको यदि रमन स्पेक्ट्रम में देखना है तो रमन स्पेक्ट्रम में ये ध्यान रखना, ये तो मिलेगा ही। अब आपको प्लस या माइनस केवल जब डेल्टा जे जीरो है तब हमें सिर्फ किसकी बात करनी है, ओमेगा ही वन माइनस टू एक्स की, है ना, तो वो उसके प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। यदि डेल्टा जे प्लस टू हो गया तो प्लस माइनस में तो होना ही है, लेकिन अब इस न्यू के प्लस में आपको बी फोर जे प्लस सिक्स मिल रहा है, और माइनस टू होने पर इसके माइनस में बी फोर जे प्लस सिक्स मिल रहा है। अब यदि इन सबको आपको रमन स्पेक्ट्रम में अंदर देखना है तो उसके लिए यहां पर क्या किया, सिंप्लीफाई करने के लिए, कि इस रेले स्केटरिंग के दाईं तरफ एंटी स्टोक्स लाइंस जिनकी की तीव्रताएं बहुत कम होती हैं, उन सब लाइंस को यहां पर हटा दिया गया। अब आप ये तीनों जो इक्वेशंस दे रखी हैं, इन तीनों इक्वेशंस के माइनस वाले फैक्टर को देखना है सिर्फ, यानी कि स्टोक्स लाइंस की तरफ देखना है, यानी कि न्यू एक्साइटिंग के माइनस में न्यू जीरो, तो इस न्यू एक्साइटिंग के माइनस में न्यू जीरो ये क्यू ब्रांच को बता रहा है जब डेल्टा जे जीरो है। फिर इसके माइनस में, इसके प्लस में फोर जे प्लस सिक्स, तो ये एस ब्रांच। भाई माइनस में तो हम देख रहे हैं इसके इधर, लेकिन इसके माइनस के जब न्यू जीरो आ गया तो न्यू जीरो के प्लस में आपको ये बी फोर जे प्लस सिक्स दिख रहा है ना। अब आप माइनस में देख रहे हो, लेकिन माइनस में इस न्यू जीरो के बी माइनस में आपको क्या दिख रहा है, फोर जे प्लस सिक्स दिख रहा है, यानी कि ये ओ ब्रांच दिख रही है। तो पूरा जो रमन स्पेक्ट्रम होगा वाइब्रेशनल रोटेशनल के केस में वो आपको इस प्रकार से नजर आएगा, जिसमें आपको ओ ब्रांच, क्यू ब्रांच और एस ब्रांच इस प्रकार से यहां पर नजर आएंगी। ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में था। यहां पर लास्ट में यह लिखा हुआ है आपके कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए जो मॉलिक्यूल के लिए आवश्यक शर्त होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, कि उसकी आणविक ध्रुवणता के किसी घटक में परिवर्तन होना चाहिए। फिर यहां पर एक इम्पोर्टेंट है रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये आता है कि यदि किसी भी ऐसे रेखीय अणु या मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मिलती है तो उनके कुछ वाइब्रेशन क्या होते हैं, यदि आईआर इनएक्टिव है तो वो रमन एक्टिव होते हैं, और यदि रमन इनएक्टिव है तो वो आईआर एक्टिव होते हैं, इसे हम कहते हैं रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अब हमारे इस टॉपिक का जो लास्ट पार्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर रखा गया है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ने से पहले यहां पर रिमाइंड करने के लिए, ये टेबल्स में डाटा बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने होंगे। आईआर के जो डाटा होते हैं वो सीधे सीधे हमें इंगित करते हैं किस चीज को, उस यौगिक में उपस्थित क्रियात्मक समूह के बारे में हमें बताया करते हैं वो, या कोई महत्वपूर्ण बंध है तो उसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर जैसे एल्कोहल के लिए दिख रहा है 3500-3600 के आसपास, है ना, एल्केन में आपको सी एच स्ट्रेचिंग, ये डाटा आपको हर जगह मिलेगा 3000-2850। यदि आप डबल बॉन्ड सी एच स्ट्रेचिंग देखोगे तो वो थोड़ा बढ़ गया, यदि ट्रिपल बॉन्ड सी एच स्ट्रेचिंग देखोगे तो वो 3300 हो गया। ये इनका सीधा सीधा कारण क्या है, ये sp3 कार्बन पर है, ये sp2 पर है और ये sp कार्बन पर है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डाटा इसमें से आपको यहाँ पर देना है। जैसे एरोमेटिक डबल बॉन्ड सी एच को पहचाना जाता है किससे, 3000-3150, यानी कि जो सिंपल सी एच स्ट्रेचिंग होती है उसके बगल में एक शॉर्ट, वहां पर आपको कम इंटेंसिटी का एक पीक मिलेगा लगभग 3050 के आसपास, उसको हम शोल्डर पीक कहते हैं। ये सिर है तो ये कंधा है, तो ये सिर यदि सी एच स्ट्रेचिंग का है तो ये एरोमेटिक सी एच स्ट्रेचिंग का, यानी कि शोल्डर पीक के तौर पर, यानी कि ये वो इंटेंसिटी सिंपल हमारे sp3 CH वाले के लिए है, तो ये एरोमेटिक CH वाले के लिए इंटेंसिटी होगी, उसको शोल्डर पीक के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर ये IR के लिए ये दे रखे। कार्बोनिल ग्रुप मोस्ट सिग्निफिकेंट है, पूरा 1850 से लेकर के 1650 सेंटीमीटर इन्वर्स के रेंज में ये फैला रहता है, तो ये डाटा है। इसी प्रकार से यहां पर केमिकल शिफ्ट NMR के लिए यहां पर दे रखी है।
यहाँ पर रेड कलर से सारे वो प्रोटॉन्स हैं जो अलग 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 कार्बन या अलग अलग परमाणुओं पर लगे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज दिमाग में ये रखनी है कि जैसे जैसे हाइड्रोजन परमाणु जिस भी परमाणु से एसोसिएटेड है या लगा हुआ सीधा सीधा यदि उसकी विद्युत ऋणता में किसी भी प्रकार की वृद्धि होती है तो वो डाउन फील्डेड जोन में चला जाता है, यानी कि उसकी डेल्टा पीपीएम वैल्यू जो है वो स्पेक्ट्रम में वो बढ़ जाती है। ये डाटा को देखने के लिए है। यहाँ पर यदि आप देखो यहाँ पर तो ये कार्बोक्सिलिक हाइड्रोजन हमारा 11-12 डेल्टा पर है, तो एल्डिहाइडिक प्रोटॉन जो है वो 9-10 पर है, तो एरोमेटिक प्रोटॉन 7-8 के आसपास, ओलिफिनिक यानी कि एथाइलिनिक हाइड्रोजन या प्रोटॉन है वो 5-6 पर। तो एक रफ आइडिया यहाँ पर ये दिया है इस चीज का। अब यहाँ पर आपके पास में डाटा यदि इस प्रकार से आते हैं और आपको उनसे स्ट्रक्चर के लिए कहा जाता है कि साहब इनका स्ट्रक्चर कैसे निकालना है, कैसे पता लगाना है, तो आपको उनको समझना होगा कैसे अंदाजा लगाया जाए। तो यहाँ पर हम इसे रिवर्स कर रहे हैं प्रोसेस को कि हम यहाँ पर आपको पहले स्ट्रक्चर बता रहे हैं और स्ट्रक्चर के बाद में क्वेश्चंस को आपको देखना है कि इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन डाटा के तौर पर ये देना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है तो इस स्ट्रक्चर में क्या महत्वपूर्ण चीजें नजर आ रही है। एक तो ये है ट्रिपल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और एक सी एच स्ट्रेचिंग की यदि हम बात करते हैं तो सी एच स्ट्रेचिंग के अंदर ये देखना है कि वो जो कार्बन है हमारा वो कार्बन sp3 है या sp2 है या sp कार्बन है। तो यहाँ पर चूंकि ये ट्रिपल बॉन्ड CH कार्बन है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो नॉर्मल sp3 है, ये sp3 है। अब 1, 2, 3, 4 चार कार्बन है और तीन ग्रुप यानी कि तीन सेट आपको हाइड्रोजन परमाणु के नजर आ रहे हैं, पहला दूसरा और तीसरा। ये NMR के लिए हम बात कर रहे हैं और ये हमारे यहाँ पर बात करेंगे किसके लिए, IR के लिए। अब हम इनके डाटाज को यदि हम देखें तो डाटाज में हम क्या देखते हैं कि ये जो महत्वपूर्ण यहाँ दिखा रखा है हमने आपको 3290 पर, ये 3290 यहाँ पर मिल रहा है जो बता रहा है ट्रिपल बॉन्ड CH को, ट्रिपल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग सिंपल sp3 CH स्ट्रेचिंग 2980 के आसपास और डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग 3130 के आसपास और ट्रिपल बॉन्ड CH कितने के आसपास, 3250 के ऊपर। लेकिन यदि वो एरोमेटिक डबल बॉन्ड CH होगा तो वो हमने आपको पहले ही कहा कि उसकी इंटेंसिटी क्या होती है हमारे उस सिंगल बॉन्ड CH वाले से आधी होती है, वो शोल्डर पीक के तौर पर नजर आ जाएगी, वो 3050 पर होगी। तो इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर ये इस 3290 यानी कि इससे आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड CH है। उसके बाद में आपको यहाँ पर तीन क्या दे रखे हैं, NMR के डाटा दे रखे हैं। इन तीन NMR के डाटा से आपको उसका स्केलेटन के बारे में बात करनी है, यानी कि तीन हाइड्रोजन परमाणु है तो एक तो आपने ट्रिपल बॉन्ड बना ही दिया सी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब आपको तीन प्रोटॉन वाले ऐसे कार्बन लगाने हैं, उनको आपको देखना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है जे, ये कहलाता है स्पिन स्प्लिटिंग कॉन्स्टेंट। जब भी कभी आपको किन्हीं दो NMR के सिग्नल्स पर यदि आपको ये मिल जाए, और सेम मिलेगा यदि मिलता है सेम, तो ये मान के चलना कि ये अड़ोसी पड़ोसी है यानी कि एक साथ लगे हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर देख लो कि एक तो ट्रिपलेट है और एक क्वार्टेट है। ट्रिपलेट आएगा CH2 के CH3 के लिए यदि उसके बगल में CH2 लगा हुआ है, और क्वार्टेट आएगा CH2 के लिए यदि उसके बगल में CH3 लगा हुआ है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बगल वाले कार्बन पर उपस्थित प्रोटोनों की संख्या में +1 करके बता देते हैं कि हाँ उन प्रोटोनों के लिए ये सिग्नल आएगा। यानी कि CH3 CH2 है तो CH3 के लिए हमें क्या देखना है, बगल वाला कार्बन CH2 उसपे कितने प्रोटोन है, दो, उसमें एक जोड़ दो तीन, यानी कि CH3 के लिए जो मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर आएगा वो ट्रिपलेट आएगा। और यदि CH2 के लिए देखना है तो उसके बगल में कितने कार्बन, वो एक कार्बन तीन प्रोटोन, तो 3+1 यानी कि 4, तो उन CH2 के लिए क्या आएगा, क्वार्टेट आएगा, ये मल्टीप्लेट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इस प्रकार से CH3 CH2 उसमें नजर आ रहा है, तो आपने CH3 लिख दिया CH2 लिख दिया और एक ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिया, वैलेंसी पूरी कर ली, टोटल मॉलिकुलर वेट को कैलकुलेट करोगे तो वो 54 हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर आपका आ जाएगा। तो एक केवल छोटा छोटा सा यहाँ पर आपको सिंपल मॉलिक्यूल्स को देखकर के ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई है। प्रॉब्लम नंबर 2 देखो, C3H6O ये एम्पिरिकल वो फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर
ये नजर आ रहा है 3500 है। 3500 आते से हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या कहां जाना चाहिए, अल्कोहल, ठीक है। अब आप यदि इसके स्ट्रक्चर को देखोगे तो ये अल्कोहल दिख रहा है यहां पर, तो एक अल्कोहल तो होगा ही होगा यहां पर, OH ग्रुप तो होगा ही होगा। अब बाकी यहां पर ये देख रहे हो आप 15000 ई मैक्सिमम। जब भी आप यूवी विजिबल के डाटा में इंटेंसिटी 10000 से ऊपर यदि देख लो तो ये मान के चल लेना कि वहां पर एक हमारा इथाइलिनिक बॉन्ड है, सी डबल बॉन्ड सी कहीं ना कहीं पर, जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को बता रहा है। जो क्या बता रहा है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। तो यानी कि एक सी डबल बॉन्ड सी भी मिलेगा। तो सी डबल बॉन्ड सी को आपने सर्च कर लिया, एक एल्कोहल को आपने सर्च कर लिया। अब आपको स्केलेटन को सेट करना है इस इनको देखते हुए कि तीन कार्बन होंगे, छह हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। तो आप तो तीन कार्बन लगा दो पहले, उसके बाद में देख लो क्या बनता है। एक डबल बॉन्ड लगा दिया अभी इसमें, यदि वैलेंस आप सारी वैलेंसी को सेट करोगे और उनको सेटिस्फाई करते हुए, सेटिस्फाई किनको करना है, एनएमआर के डाटा को सेटिस्फाई करते हुए आप देखोगे तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। हम यहां पर एनएमआर के डाटा को स्ट्रक्चर से देखते हैं। एथाइलिनिक प्रोटॉन के लिए जब एनएमआर की डाटा टेबल आपने देखी थी तो वो हमने देखी थी क्या, 4.5-5 से 6 ये रेंज है। तो वहां पर आ रहे कि नहीं आ रही है, 5.2-5.7। एल्कोहल का प्रोटॉन इतने पर आता है, ये सिंगलेट के तौर पर आएगा क्योंकि इसका इससे कपलिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, सामान्य परिस्थिति में हम ये मान के चलते हैं कि OH में जो प्रोटॉन लगा होता है वो क्या है, ट्रांसफर रिएक्शन के माध्यम से वो हमेशा चेंज होता रहता है। जो ऑन एन एवरेज टाइम स्केल पर हम देखें तो वो यहां पर फिक्स मानते के नहीं चलते हैं हम, यानी कि वो यहां पर फिक्स नहीं रहता। यदि इसी स्पेक्ट्रम को आपको कह दिया जाए कि सा -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस स्पेक्ट्रम में क्या नजर आएगा, तो ये जो प्रोटॉन है अब यहां पर फिक्स हो गया। अब इस प्रोटॉन की कपलिंग इससे होगी और ये प्रोटॉन के लिए जो सिग्नल होगा वो इन दो H2 की वजह से ट्रिपलेट आएगा। लेकिन चूंकि नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये ट्रांसफर रिएक्शन की वजह से ये यहां पर फिक्स नहीं रहता, इसलिए ये सिंगलेट आएगा और ये CH2 पर सिर्फ इसका इफेक्ट होगा और ये डबलेट आएगा, ये डबलेट है। इस CH पर दोनों की वजह से ये क्विंटेट आपको मिलेगा और ये CH2 पर इसकी वजह से आपको ये सिर्फ डबलेट मिलेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट 58 मॉलिकुलर वेट 3,29,1300, ठीक है। यानी कि कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ दिखा नहीं, केवल एक इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो कि साहब कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक COC टाइप का बॉन्ड यहां पर इथर जैसा कुछ ना कुछ बॉन्ड मिल सकता है। बाकी सी एच स्ट्रेचिंग है ये मिलेगी। लेकिन यहां से आप यदि स्केलेटन देखोगे तो तीन आपको सेट मिल रहे हैं यहां पर, और तीन सेट मिलने पर आप यदि देखोगे तो 1, 2, 3 और ये COC मिल रहा है, ये COC स्ट्रक्चर यहां पर आपको मिल रहा है। मॉलिकुलर वेट 60, केवल एक ही NMR का डाटा है, यानी कि यदि प्रोटॉन अवेलेबल है उसमें तो वो एक ही टाइप के हैं, 7.5 डेल्टा सिंगलेट। जब सारे प्रोटॉन एक जैसे हैं तो वो सिंगलेट ही देंगे, चाहे 8 हो चाहे 10 हो, है। यहां स्ट्रक्चर को कैसे पहचानेंगे, यहां स्ट्रक्चर पहचानने के लिए एक बहुत ही आसान चीज दे रखी है इन्होंने, 3490-3380, यानी कि 100 के डिफरेंस पर। तो ध्यान रखना भाई कि प्राइमरी एमीन जो होते हैं NH2 प्राइमरी एमीन, वो दो पीक देते हैं, सेकेंडरी एमीन एक पीक देता है, और टर्शरी में NH है ही नहीं तो NH स्ट्रेचिंग मिलेगा ही नहीं। यानी कि NH स्ट्रेचिंग प्राइमरी एमीन दो पीक, सेकेंडरी एमीन एक पीक, और टर्शरी एमीन में NH नहीं है तो 0 पीक। तो ये सिंपल सेट हमारा NH2 मौजूद है। और 1675 यानी कि 1650 से 1900 के रेंज में ये आ रहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं CO ग्रुप भी मौजूद है, कार्बोनिल। तो एमाइड का स्ट्रक्चर है ये, लेकिन एमाइड में कौन सा है, यूरिया। अरे सिंपल मॉलिक्यूल है ना, लेकिन इस सिंपल मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रल डाटा यदि दिया जाए तो आपको यहां पर उसका स्ट्रक्चर के बारे में अंदाजा होना चाहिए कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाए। अब यहां पर चारों प्रोटॉन एक जैसे हैं, चारों के चारों प्रोटॉन एक जैसे हैं, तो एक ही सिंगलेट आपको मिलेगा। और 3490 और 3200 यहां पर जो दूसरा था वो किसके लिए है, प्राइमरी एमीन के लिए है। अच्छा
अब है ये 59, यहां पर 60 का कर दिया 59, एक मॉलिक्यूलर वेट यहां पर इसका कम हो गया, एक कम हो गया। अब एक कम होने के साथ ही यहां पर क्या हो गए, एनएमआर में दो आपको पैटर्न वो दो मिल गया, दो सेट ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसका मतलब अलग अलग हो गया। लेकिन यहां पर ये दिख रहा है NH2 तो है ना, NH2 है प्राइमरी एमीन है, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि एक आपको ये मिल रहा है सी एच स्ट्रेचिंग। तो NH2 हटा करके आप यदि CH3 लगा दोगे तो NH2 का मतलब 14 प्लस 2 16 और CH3 का मतलब 12 प्लस 3 15, यानी कि 16 हटाते से 15 लगाया तो मॉलिक्यूलर वेट में एक की कमी हो गई। तो पहले वाला यदि NH2 CO NH2 यूरिया था तो ये वाला CH3 CO NH2 यानी कि एसिटामाइड है, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट 7-8 प्रॉब्लम है। C3H8O यहां पर 3410 पर ब्रॉड है, ये स्ट्रेचिंग दे रखा है आपको, इथर ये दे रखा है और चार चार आपके पास पे यहां पर है। अब इसको देखने से पहले इसका एक बार स्ट्रक्चर ही देख लो, एक बार ये स्ट्रक्चर दे रखा है, उसके बाद में डाटा बाद में देखना, एक वो डाटा यहीं पर ही दिख रहा है आपको, यहीं पे समझ सकते हो। 3410 ब्रोड है तो वो एल्कोहल के लिए जा रहा है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत है, ब्यूटेनॉल है ये, एक दो तीन चार सेट्स ऑफ प्रोटॉन है, ये एल्कोहलिक प्रोटॉन के लिए दे रखा है यहां पर, इसके लिए ट्रिपलेट इसकी वजह से होगा, इसके लिए सेक्सटेट 3+2 5 5+1, तो इन CH2 प्रोटॉन के लिए एक सेक्सटेट हमें मिलेगा, वो मिल गया यहां पर। यह ध्यान रखना एक चीज महत्वपूर्ण जो है कि जब भी आप स्पेक्ट्रम देखोगे एनएमआर का तो वहां पर आपको ये लिखे हुए मिलते हैं 16.5 स्क्वायर्स, 10.9 स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स स्क्वायर्स, ये स्क्वायर्स हमारे सिंपल जो ग्राफ पेपर होता है उस ग्राफ पेपर पे भी हम देखते हैं कि 1/1 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर्स बने हैं, यदि हम उसी से इसको हम माने कि ये वह है तो हम उससे ये अंदाजा लगाते हैं कि ये जो प्रोटोन है वो कितने प्रोटोनों के लिए ये स्पेक्ट्रम आ रहा है। तो उसे हम यहाँ पर उन प्रोटॉन्स का एक एम्पिरिकल रेशो निकालते हैं, उससे ये अंदाजा लगाते हैं कि इस सेट में कितने प्रोटॉन है। तो जैसे यहाँ पर हम ये सबसे मिनिमम है 5, तो यदि ये 1 है तो ये 2 है, तो ये 2 है, तो ये 3 है, सिंपल रेशो आ रहा है ना। तो ये 5 को यदि 1 मानोगे तो ये 1 प्रोटॉन है, तो ये 10 11 के लिए 2 प्रोटॉन है, ये इसके लिए 2 प्रोटॉन है, इसके लिए 3 प्रोटॉन है, ये स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर वेट 70, मॉलिक्यूलर वेट कितना 70। यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज जैसे आपको उस समय पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए बताया था कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में हमने ई मैक्सिमम देखा था 15,000, तो वैसे यहां पर ई मैक्सिमम कितना दिख रहा है 23 और लैम्बडा मैक्स कितना 285, तो लैम्बडा मैक्स बढ़ गया और जो इंटेंसिटी है ये मैक्सिमम वो बहुत कम हो गई, तो ये कौन से ट्रांजिशन को बताती है। अरे यूवी विजिबल के अंदर हम अलग अलग ट्रांजिशन पढ़ते हैं ना, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, तो ये उसमें से कौन से उसको बता रही है। तो ये भाई एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के बारे में बात की जा रही है जहां पर जो इंटेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो जब भी आप इंटेंसिटी 100 से नीचे देखो यूवी विजिबल में तो वहां आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो एक 100% क्या अवेलेबल है, वहां पर सीओ टाइप का कोई बॉन्ड अवेलेबल है। और ये 1785 दे ही रहा है ना, यहाँ पे 1785 तो कीटोनिक। अब दो यहां पर आपको क्या मिल रहे हैं, सेट्स मिल रहे हैं प्रोटॉन के, तो यानी कि दो ही ग्रुप ऑफ सेट्स हैं, तो उस आधार पर यहां पर ये साइक्लोब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर बन सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट को सेटिस्फाई करोगे वैलेंसी से तो ये स्ट्रक्चर आएगा। यहां पर ये है आपके पास में टर्शियरी ब्यूटेनॉल, टर्शियरी ब्यूटेनॉल यहां पर एक दो तीन, तीनों जो मिथाइल हैं वो सेम है,
और ये प्रोटॉन OH का अलग है। तो यदि स्क्वायर्स में आप रेशो देखोगे तो 3.4 स्क्वायर और 31 स्क्वायर रफली 9 का अंतर आ गया ना, तो वहां से ये अंदाजा लगाएंगे हम। और फिर ये तीनों के तीनों प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट से दूर है, तो ये जो हमारा आइसोलेटेड मिथाइल प्रोटॉन को NMR में जहां 0.8-0.9 डेल्टा पर देना चाहिए, तो वो इसके थोड़े से इफेक्ट की वजह से वो केवल 1.05 तक चला गया, लेकिन तीनों के तीनों एक है तो वो वहां पर एक साथ आएंगे। इसी तरह से ये आइसोप्रोपिल ग्रुप को पहचानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आइसोप्रोपिल ग्रुप के अंदर क्या देख रहे हो यहां पर कि बीच का प्रोटॉन दोनों तरफ दो सेम मिथाइल से लगा हुआ है, तो इस प्रोटॉन के लिए तो आपको क्या मिलेगा 3+3 6+1 यानी कि सेप्टेट, और इन 6 प्रोटॉन के लिए क्या मिलेगा डबलेट। इन 6 प्रोटॉन के लिए तो क्या मिलेगा डबलेट, और इसके लिए क्या मिलेगा सेप्टेट। और COC है तो COC के लिए आपको यहां पर मिल रहा है 1100 से लेकर के 1200-1300 तक आपको स्ट्रॉन्ग पीक यदि कहीं मिलता है तो इसका मतलब वो COC टाइप का बॉन्ड उसके अंदर अवेलेबल होगा। बाकी स्ट्रिक्ट और वॉलेटाइल और लिखा हुआ है तो इधर हमें पता है ना आसानी से वाष्पीकृत होते हैं। थैंक्स। किसी को कुछ पूछना हो इससे संबंध में तो वो पूछ सकता है। हाँ जी बोलिए। कहाँ पे वो एंटी स्टोक लाइन्स की तो इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं ना अपन, उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है तो उसको यहां पर दिखाने की आवश्यकता नहीं है इस लेवल तक है। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो है ना, वो तो है, उसके लिए कौन मना कर रहा है, फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होगी होगी उसकी, उसकी फ्रीक्वेंसी तो ज्यादा होगी ही, नहीं होती है ना, लेकिन वो इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि यदि हम कोई भी स्पेक्ट्रम आप देखते हो तो स्पेक्ट्रम में नीचे जो लाइन्स दिखती है ना, तो वो लाइन्स आप स्पेक्ट्रम कोई भी देखोगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी लाइन दिखती है ना, क्या कहते हैं उन्हें हम नॉइस, वो स्पेक्ट्रम की नॉइस कहलाती है। तो वो नॉइस के साथ में मिल जाती है वो लाइन्स, तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि वो हमारे स्पेक्ट्रल की लाइन है कि वो नॉइस है, इसलिए हमको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। नो क्वेश्चंस, थैंक यू।